मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश परावत है। आज हम बात करेंगे कि उत्तर भारत में किस तरह की बारिश होने वाली है। हमने देखा कि गोरखपुर में पिछले 24 घंटों में 144 मिलीमीटर की भारी बारिश दर्ज की गई है, जो 2012 के बाद सबसे ज्यादा भारी बारिश पिछले 24 घंटों यानी 24 घंटों के दौरान है। और बाकी कई इलाके हैं जो उत्तर प्रदेश के, जिनमें बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा देखने को मिली हैं। और उसी तरह से मध्य प्रदेश के बहुत ऐसे इलाके हैं जहां पर मूसलाधार बारिश हुई है, गुजरात में भी भारी बारिश हुई है। यानी कि बारिश की गतिविधियां जो गुजरात से लेकर के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये तीन राज्यों में बहुत ज्यादा हुई हैं। बिहार के कुछ इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। अब हम देखेंगे कि आप देखिए, जो गुजरात में अब धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी, लेकिन दक्षिणी गुजरात में जारी रहेंगी। मुंबई में भी कुछ इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। अब विदर्भ, मराठवाड़ा और जो बाकी जो दक्षिणी मध्य प्रदेश है वहां पर भी बारिश कम हो जाएगी। तो ये जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है यानी गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र, ये अब उत्तरी मध्य प्रदेश के ऊपर है, जो धीरे धीरे से नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाकर के इस तरह से रिकर्व होगा और हो सकता है कि ये एक बार फिर से सशक्त होकर के डिप्रेशन बन जाए, क्योंकि इसका इंट्रैक्शन हो रहा है जो वेस्टर्ली ट्रफ है, यानी कि वेस्टर्ली विंड में जो ट्रफ है अब यानी मिड ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स के आसपास, यानी कि अब कह सकते हैं, यानी कि एक आम भाषा में कह सकते हैं कि काफी ऊंचाई पर जो एक ट्रफ बनी हुई है, तो उससे इंट्रैक्शन करके ये सशक्त होकर के डिप्रेशन बन सकता है। तो अब क्या होगा कि उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना अभी जारी रहेगी, यानी कि बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, लखनऊ, कानपुर और फिरोजाबाद, ओएटा, मैनपुरी, साजापुर, ये सारे इलाके, प्रतापगढ़ वगैरह भारी बारिश देख सकते हैं। और उसी तरह से हाथरस, अलीगढ़, एटा, मथुरा और जो आगरा वगैरह है, इस इलाके में भी तेज बारिश होगी और दिल्ली से लगे हुए इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां ही देखने को मिलेंगी। और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहां पर भी बारिश की गतिविधियां अच्छी देखने को मिल सकती हैं, गोरखपुर वगैरह में और जो सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, इन सारे इलाकों में। और उसी तरह से जो बिहार के उत्तरी इलाके हैं, यानी कि जो ट्रफ रेखा है बिहार के उत्तर से जा रही है, जैसे कि किशनगंज, अररिया, सीतामढ़ी और चंपारण, फॉरबेसगंज और भागलपुर, पूर्णिया, ये सारे इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। गया, पटना और बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश है। और उसी तरह से प्रयागराज, वाराणसी, ये सब जो इलाके हैं, इन इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, भारी बारिश की गतिविधियां मध्य और जो उसके आसपास के इलाके हैं यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हो सकती है। आज दिल्ली एनसीआर में छुटपुट बारिश की गतिविधियां हैं, कल भी हल्की फुल्की बौछारें या बूंदाबांदी हो सकती है, कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है। गर्मी और उमस अभी बरकरार रहेगी, हालांकि हवाएं तेज चलती रहेंगी जिससे कुछ राहत मिल सकती है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में अगले 2-3 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश संभावना है, कम से कम 17 या 18 तारीख तक, 17 तारीख तक तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं। और कई इलाकों में लैंडस्लाइड, मडस्लाइड हो सकता है, एक दो स्थानों पर बादल फटने की घटनाएं भी देखने को मिल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में अपेक्षाकृत बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन इलाकों में बहुत कम बारिश देखने को मिलेगी। पंजाब के ज्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे, लेकिन उत्तरी जो जिले हैं, वो जो तराई के इलाके हैं, वहां पर लाइट रेन हो सकती है। हरियाणा के भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। और अब बात करें अगर राजस्थान की, तो राजस्थान के ज्यादातर इलाके अब शुष्क रहने वाले हैं। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश ही रहेगी, क्योंकि ये जो वेदर सिस्टम है ऊपर चला गया है, अब राजस्थान पर इसका बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में, खास करके ग्वालियर, दतिया, मुरैना, टीकमगढ़, इन इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां अभी भी जारी रहेंगी। बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियों में कमी आना शुरू हो जाएगी और लाइट रेन ही देखने को मिलेगी। गुजरात के भी अब ज्यादातर इलाके, जो सौराष्ट्र का है, इस इलाके में बारिश की गतिविधियां अब धीरे धीरे कम होनेगी, लेकिन दक्षिणी गुजरात में बारिश की गतिविधियां अभी जारी रह सकती है। मुंबई में भी कल तक बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती है कुछ इलाकों में, हालांकि मूसलाधार बारिश लगातार जो पैनिक वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मौसम अच्छा हो जाएगा। अब विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, यहां पर भी बारिश की गतिविधियां अब कम हो जाएंगी, क्योंकि कुल मिलाकर के वेदर सिस्टम ऊपर की तरफ चला गया है, तो यहां पर बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। गंगे, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सारे इलाके हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां ही देखने वाले हैं। और ये ट्रफ बनी हुई है, इसके कारण मुंबई, थाने, दहानू, सूरत, वलसाड़, ये जो इलाके हैं, तेज बारिश देख सकते हैं। तो जो बारिश है वो अब हम ये कह सकते हैं कि जो बारिश है वो सबसे ज्यादा इस इलाके में रहेगी, ये यानी इस, ये जो इलाका है, इस इलाके में भारी बारिश हो सकती है। और ये जो है कुछ इलाके, इन इलाकों में भी तेज बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। और बिहार से लेकर के ये जो पूर्वोत्तर राज्य हैं यानी सिक्किम, वेस्ट बंगाल, ये जो इलाके हैं,
यहां पर भी बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती है। कुल मिलाकर के जो वेदर एक्टिविटी है इन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा रहने वाली है और बाकी इलाकों में अब बारिश की कमी देखने को मिलेगी। और खास करके अगर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये सारे इलाके कम बारिश देखेंगे, यानी कि मानसून इसमें कमजोर हो जाएगा। लेकिन गोवा से लेकर के कर्नाटक के तटीय भागों में जो बारिश की गतिविधियां है वो ठीक ठाक नजर आ रही है। यानी कुल मिलाकर के अब काफी दिनों के बाद उत्तर प्रदेश को मूसलाधार बारिश मिलेगी और बिहार के भी कई इलाके बहुत अच्छी बारिश देखेंगे। ये बहुत अच्छा एक तरह से संदेश है किसान भाइयों के लिए। हालांकि जो नुकसान होना था वो हो गया, लेकिन जाते जाते अगर ये मानसून बहुत अच्छी बारिश दे जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब